हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अ बस कंपनी हैज 77 बसेस फॉर ट्रेवलिंग इन द सिटी। द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन बस ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बिलो। फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, इसे हम कहते हैं एक्स। ये जो होगा वो होगा एक्स, और ये वैल्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी एफ। सो रेंज में हमारा फॉर्मूला क्या है? रेंज इज इक्वल्स टू एक्स हाइएस्ट माइनस एक्स लोएस्ट। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला है। सो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये एक्स की वैल्यू है, और इस एक्स के वैल्यू में आप देखिए हाइएस्ट वैल्यू कौन सी है। सो हाइएस्ट वैल्यू है 37 एंड लोएस्ट वैल्यू है 2। सो 37 माइनस 2 तो ये हो गया 35। रेंज हम लिखेंगे 35 पैसेंजर्स। इसका मतलब हुआ कि मिनिमम 2 पैसेंजर्स तो होते ही हैं, मैक्सिमम 37 होते हैं। सो 2 टू 37 के बीच में होते हैं, तो रेंज हो गया 35 पैसेंजर्स। एंड कॉफिशियंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है। सो कॉफिशियंट ऑफ रेंज के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉफिशियंट ऑफ रेंज इज इक्वल्स टू एक्स हाइएस्ट माइनस एक्स लोएस्ट डिवाइड बाय एक्स हाइएस्ट प्लस एक्स लोएस्ट। सो हाइएस्ट वैल्यू, अब हाइएस्ट वैल्यू है 37, तो यहां पर हम लिखेंगे 37 माइनस 2 डिवाइड बाय 37 प्लस 2। सो 35 डिवाइड बाय 39, 35 डिवाइड बाय 39 0.8974। सो ये होगा 0.90। ये हो गया हमारा कॉफिशियंट ऑफ रेंज, और ये है हमारा रेंज। तो देखिए, एक बार अगर आपका फॉर्मूला क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली सम कर पाओगे। नाउ आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फाइंड द रेंज एंड रिलेटिव रेंज ऑफ द मार्क्स। हम यहाँ पर रेंज कैलकुलेट करना है एंड रिलेटिव रेंज। रिलेटिव रेंज का मतलब होता है कॉफिशियंट ऑफ रेंज। सेम यहाँ पर ये जो है वो तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है नीचे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो तो फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये वैल्यूज जो हैं क्लास वैल्यूज हैं। सो यहाँ पर हमें सेम करना होगा एक्स लोएस्ट। तो ये जो क्लास है ना, इन क्लासेस में लोएस्ट क्लास देखिए कौन सा है, और उसका लोएस्ट वैल्यू देखो आप कौन सा है। तो लोएस्ट क्लास है 20 to 30, और लोएस्ट वैल्यू है 20, तो ये रहा 20। हाइएस्ट एक्स हाइएस्ट, हाइएस्ट वैल्यू है 80, और इस क्लास की हाइएस्ट वैल्यू 80 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80। नाउ अब मुझे रेंज कैलकुलेट करना है। सो रेंज के लिए फॉर्मूला क्या है? रेंज इज इक्वल्स टू एक्स हाइएस्ट माइनस एक्स लोएस्ट डिवाइड बाय एक्स हाइएस्ट प्लस एक्स लोएस्ट। सॉरी, डिवाइड नहीं लिखेंगे, ओनली एक्स हाइएस्ट माइनस एक्स लोएस्ट। सो 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60। ये हो जाएगा रेंज, ये हो जाएगा रेंज, ये डिवाइड में नहीं लिखेंगे।
नाउ रिलेटिव रेंज, रिलेटिव रेंज क्या होगा? रिलेटिव रेंज मीन्स कॉफिशियंट ऑफ रेंज. तो यहाँ पर रिलेटिव रेंज लिखा हुआ है, इसलिए मैं रिलेटिव रेंज वर्ड ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, रिलेटिव रेंज. सो रिलेटिव रेंज x हाइएस्ट माइनस x लोएस्ट डिवाइड बाई x हाइएस्ट प्लस x लोएस्ट. सो हाइएस्ट इज 80 माइनस 20 डिवाइड बाई 80 प्लस 20. सो 80 माइनस 20 60 डिवाइड बाई 100. सो 0.60. सो ये है रिलेटिव रेंज. सो रिलेटिव रेंज या कॉफिशेंट ऑफ रेंज का मीनिंग सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पर, ये मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से. दूसरा ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है. And now question number 4. So question number 4, same 4.1 exercise. The frequency distribution of daily income in 1000 rupees of 80 shops of an area is as follows. Find the absolute and relative measures of range of daily income. Hame रेंज कैलकुलेट करनी है एंड सेम कॉफिशेंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है. सो सेम यहाँ पर पहले मैं एक्स लोएस्ट एंड एक्स हाईएस्ट आपको लिखवा देता हूँ. सो एक्स लोएस्ट हम देखेंगे. सो लोएस्ट का वैल्यू है यहाँ पर, देखिए क्लास में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 5, और हाईएस्ट वैल्यू है 34. तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल्स टू एक्स हाइएस्ट माइनस एक्स लोएस्ट. सो हाइएस्ट वैल्यू है 34 और लोएस्ट वैल्यू है 5. सो 34 माइनस 5 29. देन कॉफिशंट, कॉफिशंट ऑफ रेंज x highest minus x lowest divided by x highest plus x lowest. अब हम यहां पर वैल्यू रख देंगे. थर्टी फोर माइनस फाइव डिवाइड बाय 34 प्लस 5, 29 डिवाइड बाय 39. सो देखें आंसर क्या आ रहा है, 29 डिवाइड बाय 39, तो आंसर होगा 0.74. सो ये है कॉफिशंट ऑफ रेंज. सो ये है सम नंबर 4 हमने कंप्लीट किया और साथ में हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई 4.1. नाउ फ्यू होमवर्क. तो आज के होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 एंड 4. सो इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4 आज का होमवर्क रहा आपका. होमवर्क होगा आपका, बुक में आपको करना है इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 एंड 4. सेम इसी टॉपिक के हैं इलस्ट्रेशंस 1, 2, 3, 4. रेंज कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स. सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.2.